नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड किचन के डिफरेंट मॉडल्स की। क्लाउड किचन के कौन कौन से मॉडल्स हो सकते हैं, होते हैं, आप में से इनमें से आप लोग यही मॉडल यूज़ कर रहे होंगे अगर आप क्लाउड किचन चला रहे हो, या आप अपने बिजनेस को, अपने क्लाउड किचन को नेक्स्ट मॉडल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप इनमें से नेक्स्ट लेवल वाला चूज़ करके अपना जो बिज़नेस को भी एक्सटेंड कर सकते हो। साथ साथ मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी देने वाला हूँ, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और आप लोगों की ज़रूरत है मुझे मालूम पड़ने लगी है। जो वैल्यू है मैं आपको वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप में से अधिकतर लोग जो भी देखते हैं, जैसे कि मैं अपने क्लाउड किचन की कोर्सेज भी सेल करता हूँ, जिसका कि मेन मोटो यही होता है कि आपका माइंड मेकअप करना, आपको ये पता लगाना एडवांस में ही कि आपको क्लाउड किचन स्टार्टअप करने के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं। पर यहीं पे अगर आप में से अगर आप लोग YouTube वीडियोस देखते हैं मेरी या किसी और की, तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि मेरा कितना पैसा लग जाएगा या मुझे किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या लाइसेंस चाहिए होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाती है और इसके लिए आपको कुछ भी पैसा किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं। पर वहीं पे जो लोग स्टार्टअप करने की अभी सिर्फ सोच रहे हैं, तो उनके लिए तब भी ये कोर्स ठीक है, पर वो लोग जो इससे नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो उनके लिए मेरा एक और प्रोग्राम मैंने स्टार्ट कर दिया है। क्लाउड किचन स्टार्टअप प्रोग्राम है ये, जिसके अंदर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। जी हाँ, कंप्लीट गाइडेंस से मेरा मतलब है आपको लाइसेंसिंग के बारे में पूरा बताया जाएगा, आपको आपकी हेल्प की जाएगी कम्प्लीटली। दूसरा, यहाँ पे आपको इक्विपमेंट की लिस्ट दी जाएगी अप्रॉक्स प्राइस के साथ। तीसरा, इसमें आपको मेन्यूज़ दिए जाएंगे जो कि आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा स्टार्टअप करना है। इसके अलावा आपको होटल इन्वेंट्रीज के बारे में सिखाया जाएगा, आपको पैकेजिंग में क्या क्या मटेरियल लगने वाला है, आपके मेन्यू के अनुसार वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी और आपको कम्प्लीटली गाइडलाइंस दी जाएंगी बाय कॉलिंग और बाय मेल। तो ये सारी चीज़ें, और व्हाट्सअप का भी इस्तेमाल होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल व्हाट्सअप, तो ये सारी चीज़ें आपको ये सिखाई जाएंगी। आपके स्विगी और जोमेटो से टाइप्स करने में भी आपकी हेल्प की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उस स्टार्टअप के अंदर आएंगी जो कि आपको चाहिए। आपको सिर्फ एक कोर्स नहीं चाहिए, आपको उससे नेक्स्ट लेवल की चीज़ चाहिए, तो ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। अब हम लोग वापस आते हैं अपने क्लाउड किचन के मॉडल पे। अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहला हमारा मॉडल होता है, वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल। जी हाँ, आप सिंगलली कहीं पे भी किसी एक रेस्टोरेंट नेम के साथ या एक क्लाउड किचन नेम के साथ आप लोग काम करना स्टार्ट करते हो, चाहे वो घर से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, और आप अपनी जो सर्विसेज है वो कस्टमर को देते हो। और यहाँ पे स्विगी और जोमेटो अपने राइडर्स के द्वारा एज एग्रीगेटर काम करता है और आपके खाने को आपके कस्टमर तक सर्व करता है। तो ये जो सबसे बेसिक मॉडल है वो है, आप में से आधे से ज़्यादा यही यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है या आपको किस नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, वो है हमारा मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन। यहाँ पे आप एक ब्रांड जो आपका मेन ब्रांड है वो तो चल ही रहा है, पर आप धीरे धीरे करके उसमें और भी ब्रांड ऐड करने लग जाते हो। जैसे कि मान लीजिए आप एक सिंपल इंडियन कुजीन चला रहे थे, अब वहाँ पे आपने इटालियन कुजीन का एक अलग रेस्टोरेंट डाल दिया है, फास्ट फूड का अलग रेस्टोरेंट डाल दिया है, रेस्टोरेंट का अलग आपने रोल्स का अलग डाल दिया है, बर्गर्स, इस तरीके से आप अपने वहाँ पे और सारे आउटलेट ऐड कर सकते हो और ये आपका कहलाता है मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन या मल्टीपल ब्रांड क्लाउड किचन। तो ये दूसरा मॉडल था। इसके बाद तीसरा हमारा आता है मिड ग्राउंड लेवल क्लाउड किचन। अब ये मिड ग्राउंड लेवल क्लाउड किचन क्या है, जब ऑलरेडी आप इन दो पहले दो मॉडल को क्रॉस कर चुके हैं, तो आप भी चाहेंगे कि आपकी प्रेजेंस सिर्फ क्लाउड में ना रह के, सिर्फ लोगों के मोबाइल में ना रह के, कहीं पे फिजिकली अवेलेबल हो, तो आप ये टेक अवे प्लस क्लाउड किचन का मॉडल भी चला सकते हैं। इवन मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ, आप स्टार्टिंग में ही यही मॉडल अपनाएं, सिर्फ क्लाउड किचन स्विगी जोमेटो के भरोसे ना रहें। यहाँ पे होता ये है कि आप प्रेजेंस आप लोगों की बनी रहती है कहीं पे भी, यहाँ से लोग अपना टेक अवे भी ले जाते हैं, कोई लोग वहाँ बैठ के भी खा सकते हैं। साथ साथ आप सिंगल ब्रांड में तो लोगों के सामने विजिबल रहते हो, पर एज अ क्लाउड बेस्ड आपके कई सारे रेस्टोरेंट चलते हैं जहाँ पे कि आप स्विगी जोमेटो या किसी और एग्रीगेटर या खुद भी अपनी डिलीवरीज कर सकते हो, तो ये बेस्ट मॉडल मैं कहूँगा। इसके बाद एक और हमारा जो नेक्स्ट आता है चौथे नंबर का, वो है हमारा एक्सक्लूसिव ब्रांड क्लाउड किचन। यहाँ पे होता क्या है, आप सिर्फ स्विगी और जोमेटो या किसी एक से ही टाइप करते हो और आप बोलते हो कि सिर्फ मैं आपके ही थ्रू कस्टमर को सर्व करूँगा। जी हाँ, पहले अगर होता था, अगर आप पुराना कोई क्लाउड किचन चला रहा है तो उसे मालूम होगा, जहाँ पे कि स्विगी और जोमेटो पे भी ये ऑप्शन आता था कि आप सिर्फ हमारे साथ ही बिजनेस करेंगे और आपके जो कमीशंस के रेट होंगे वो कम हो जाएंगे, हम आपको जो आपकी जो एड्स वगैरह रन करेंगे, आपकी पब्लिसिटी करेंगे, वो भी हम लोग कम प्राइसेस में करेंगे। तो ये भी पहले बहुत अच्छा मॉडल था, पर ये किसी तरीके से चला नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है
ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीगेटर्स को अपने साथ लेना चाहता है, तो मैं भी सलाह नहीं दूंगा, पर एक ये मॉडल ज़रूर है, आपको इसके बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो पांचवा हम मॉडल करें वो है हमारे सेंट्रलाइज किचन का। सेंट्रलाइज किचन का मेरा मतलब है कि आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड हो गए हो किसी एक सिटी में, जैसे मान लीजिए दिल्ली में, और आप कर क्या रहे हो, आप एक जगह खाना बना रहे हो और आप उसी खाने को अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लाउड किचन या अलग अलग मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन या अलग अलग मिड लेवल क्लाउड किचन पर आप लोग सर्व कर रहे हो। आपके बहुत सारे आउटलेट पूरी दिल्ली में या दूसरे सिटी में फैल चुके हैं, तो यहाँ पे जो मेन खाना होता है आपके सेंट्रल किचन में बनता है और यहीं से खाना अलग अलग आपके आउटलेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वहाँ से वो खाना ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल होके कस्टमर तक पहुँचता है। यहाँ भी एग्रीगेटर स्विगी जोमेटो या आप खुद या कोई और भी हो सकता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा मॉडल है। अगर आपकी पहली जो तीन कैटेगरी पूरी हो चुकी है तो आप इसमें काम कर सकते हो। जो सबसे लास्ट है मैं बोलूँगा वो है हमारा आउटसोर्सिंग क्लाउड किचन मॉडल। आउटसोर्सिंग क्लाउड किचन मॉडल, आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग का मतलब जैसे सिंपली हम लोग बोले, हम लोगों से खाना ले रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं, अपने कस्टमर को दे रहे हैं। यहाँ पे आप ये इनिशियल स्टेज में कर सकते हैं, जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, आप कई सारे आइटम्स बाहर से ला के, मिठाई या चॉकलेट ला के अपने एक क्लाउड किचन को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला मॉडल ये हो सकता है, या आपके पास इतना काम आपके पास इतना काम हो चुका है, आपके इतने सारे किचन्स खुल चुके हैं बाहर अपने सिटीज़ में, तो आप बाहर से काम करवा सकते हैं। मतलब कि जो आप अभी तक खुद काम कर रहे थे, लोगों को काम दे सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपका काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और वही काम को आप वही उनके जो खाने को इकट्ठा करके बाहर अपने ही अपने नाम से सेल कर रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज में भी कर सकते हैं और सबसे फाइनल स्टेज में भी कर सकते हैं, जब आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये सारे जो 6 के 6 मॉडल हैं आप लोग अपना सकते हैं, जो भी आप चाहें, पर आपको शुरुआत तो इंडिपेंडेंट मॉडल से ही करनी पड़ेगी, या आप जो आउटसोर्सिंग वाला मॉडल है जो इस समय फेस्टिव सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप भी अपने क्लाउड किचन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। और यहीं आपसे मैं ये भी बोलूँगा कि आपको जो मैंने अपने अपने क्लाउड किचन स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में बताया, आप उसे जरूर लीजिए, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट लेवल वही है। अगर आपका माइंड ऑलरेडी मेकअप हो गया है, आपने ऑलरेडी आप लोगों ने सोच लिया है मन में कि मुझे क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, चाहे वो घर से हो, बाहर से हो, टेक अवे आप कर रहे हो, तो आपको वो स्टार्टअप मॉडल लेना ही चाहिए। इससे आपको पूरी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी, आपको कोई भी कोर्स लेने की कहीं पे भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा भी अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप कोर्सेज नहीं लेना चाहते, जो भी है, आप तब भी मुझे नीचे मेरे जो नंबर मैंने हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाला रहता है वहाँ पे मेरे को मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों को मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे मुझे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, चाहे आपके इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, मैन पावर से रिलेटेड हो, मेन्यू से रिलेटेड हो, या कुछ भी और आपके दिमाग में आ रहे वहाँ छोड़ सकते हो, या फिर आप नीचे सिंपली नीचे यूट्यूब में के कमेंट बॉक्स में जाके छोड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।